स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5 माउस। आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 माउस पढ़ेंगे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ माउस एंड माउस पैड। द कंप्यूटर माउस इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग अ वायर। इट कैन नॉट मूव लाइक अ रियल माउस ऑन इट्स ऑन। यू नीड टू मूव इट विथ योर हैंड्स। कंप्यूटर में जो माउस होता है वो इसका एक पार्ट होता है, जैसे कीबोर्ड होते हैं, सीपीयू होते हैं, वैसे ही माउस भी कंप्यूटर का एक पार्ट है। ये कंप्यूटर से एक वायर से यानी कि एक तार से कनेक्ट होता है। ये दिखने में एक रियल माउस की तरह नहीं दिखता है और इसे चलाने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए आपको हैंड्स की ज़रूरत होती है। यू प्लेस द माउस ऑन द माउस पैड। अ माउस हैज़ टू बटन विद अ स्क्रॉल व्हील बिटवीन दैम। कंप्यूटर में माउस को यूज़ करने के लिए एक माउस पैड होता है। जैसे आपको बैठने के लिए चेयर की ज़रूरत होती है ना, चेयर की या फिर किसी भी बिस्तर की ज़रूरत होती है बैठने के लिए, उसी तरह से माउस पैड को इजीली यूज़ करने के लिए माउस पैड की ज़रूरत होती है। एक माउस में टू बटन्स होते हैं और उनके बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। सो स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर। दिस इज द पिक्चर माउस। इसमें दिस इज़ द लेफ्ट माउस बटन एंड दिस इज़ द राइट माउस बटन। कंप्यूटर में दो माउस बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, और इनके बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज माउस पॉइंटर। यू नो दैट व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। द डेस्कटॉप हैज स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट कॉल्ड आइकन्स। डेस्कटॉप पर कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती है, इस तरह से इसे आइकन्स कहा जाता है। जैसे अगर आपने कोई म्यूज़िक फाइल बना रखी है तो उस नेम से ही फोल्डर बने होते हैं, या फिर कोई वीडियोस बना रखी तो वीडियो की फ़ोल्डर। तो जिस तरह से आपके मोबाइल में अलग अलग ऐप्स होते हैं उनके जो अलग अलग नेम लिखे होते हैं, मूवी या लाइक गैलरी, व्हाट्सएप, उसी तरह से कंप्यूटर के मॉनिटर पर भी कुछ आइकन्स बने होते हैं। Have you noticed a small arrow on monitor when you switch it on? This arrow is called mouse pointer. It moves when you move the mouse. क्या आपने कभी देखा है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपको मॉनिटर पर एक पॉइंट दिखाई देता है जो कि एरो की शेप का होता है, इसे ही माउस पॉइंटर कहा जाता है। जब आप कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, टाइप करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए माउस यूज़ करते हो तब ये उसके साथ ये पॉइंटर भी मूव करता जाता है। होल्डिंग द माउस। जब भी हमें माउस को यूज़ करना है तो हमें इसके लिए अपनी पूरी पाम यानी कि पूरी हथेली को, उनकी सारी फिंगर्स को यूज़ करना पड़ता है। तो कहते हैं पिक्चर, इस तरह से हम माउस को होल्ड करके पकड़ कर यूज़ कर सकते हैं। माउस एक्शंस। हाउ विल यू टेल द माउस टू सेलेक्ट और ओपन एन आइकन? येस यू विल यूज इट बटन्स। अगर आपको कंप्यूटर के मॉनिटर भी कोई भी आइकन माउस की हेल्प से सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको माउस की जो लेफ्ट और राइट बटन होते हैं उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। वैन यू प्रेस अ माउस बटन इट टेक्स अ क्लिक साउंड। जब भी आप माउस के लेफ्ट या राइट बटन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें एक क्लिक का साउंड आता है। द एक्शन ऑफ प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन इज कॉल्ड क्लिक। माउस के लेफ्ट या राइट बटन को प्रेस करना है, दबाना और छोड़ना, इसे क्लिक कहा जाता है। टू सेलेक्ट एन आइकन यू नीड टू क्लिक इट टू क्लिक एन आइकन। जब भी आपको मॉनिटर पर किसी भी आइकन को सेलेक्ट करना है तो आपको उस पर माउस पॉइंटर करके क्लिक करना पड़ता है। मूव द पॉइंटर एंड प्लेस इट ओवर द पीसी दिस पिक आइकन ऑन द डेस्कटॉप। माउस की हेल्प से मॉनिटर को जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है, उसे उस ऑब्जेक्ट पे ले जाए जिसे आप सेलेक्ट करना है और उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो भी पिक्चर्स है, अगर सपोज यू हैव टू सी मूवीज और पिक्चर्स जो भी इस फोल्डर में है वो आपको शो हो जाएगा। टू ओपन द आइकन यू डबल क्लिक इट यू नीड टू क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन टू टाइम्स। और अगर आप उसे सेलेक्ट करने पर, आइकन को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको उसके अंदर क्या क्या है, क्या फोल्डर्स बने हुए हैं या क्या पिक्चर्स है, उसे ओपन करना है तो इसके लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन को टू टाइम्स यानी कि दो बार क्लिक करना पड़ेगा।
दिस एक्शन इज कॉल्ड डबल क्लिक। इस काम को डबल क्लिक कहा जाता है, मीन्स माउस बटन को दो बार प्रेस करना डबल क्लिक कहलाता है। डबल क्लिक द दिस पिक आइकन ऑन द डेस्कटॉप द दिस पिक विंडो अपीयर्स। और दिस पिक पे जाकर मीन्स अगर आपको पिक देखनी है तो उस पर जाकर डबल क्लिक करने से उस पिक में जो भी फोल्डर्स है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देगी, विंडो स्क्रीन पर दिखाई देगी। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ दिस पिक विंडो जो आपकी स्क्रीन पर मॉनिटर पर ओपन होगी। आपका डेस्कटॉप है, फिर आइकन जो आपने ओपन किए उन पे ये सारे आइकन बने हुए हैं, इन्हें इनको आप सेलेक्ट करके क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 इज़ कम्प्लीट हेयर। वर्कशीट विल बी सेंड यू फर्दर। थैंक यू।